गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम पॉलिनेशन से पहले का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब आज हमें स्टार्ट करना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिक, इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। मतलब जब पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है एंथर से स्टिग्मा तक, उसको हम बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अब इसमें काइंड ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से तरह के होते हैं? अब इसमें पहला होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होता है जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर पे होता है, मतलब पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन नॉर्मल फ्लावर्स विच ओपन एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कम्प्लीटली, ऑटोगैमी रेदर रेयर। ऑटोगैमी इन सच रिक्वायर्ड सिंक्रोनियन पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली। मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि जो पॉलिनेशन है ना वो सेम फ्लावर के अंदर होते हैं। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाकर, और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है वायोला, कॉमन पेंसी जिसे बोलते हैं, और ऑक्सालिस और कॉमेलिना। ये तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है चाइज्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो मतलब जैसे क्लिस्टो नाम से समझ आ रहा है, क्लोज। ये जो चाइज्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ द अदर स्पीशीज विच एक्सपोज टू एंथर एंड स्टिग्मा। ये जो होता है ये बाकियों के जैसे ही होता है। ये क्लिस्टोगैमस जो होता है ना, ये विच फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। इसमें क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होता है ना, ये बहुत पास पास होता है। When enter dies in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect the pollination. Cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. इसमें cleistogamous जो होता है वो हमेशा closed रहता है, वो जो flower होता है they do not open at all. तो उसमें क्या होता है, उसमें cross pollination का तो chance ही नहीं होता। उसमें क्या होता है, stigma और anther जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं। देखो जो लेफ्ट साइड पे फिगर बना हुआ है इसके अंदर ये दिखाया भी है, ये चाइज्मोगैमस फ्लावर है और ये क्लिस्टोगैमस है जो कि क्लोज है। जिटनोगैमी में क्या होता है, अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। मतलब पहले ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट होगा लेकिन उसका फ्लावर अलग होना चाहिए। इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। जो पॉलन ग्रेन है वो तो ऑलमोस्ट सेम प्लांट से ही आ रहे हैं, तो ये ऑटोगैमी जैसा ही होता है। ऑटोगैमी में क्या था, उसमें फ्लावर भी सेम होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें फ्लावर अलग होना चाहिए, प्लांट तो एक ही है। अब ज़ेनोगैमी में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है ये भी अलग होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन टू एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a different plant. इसमें this is the one type of pollination which is during pollination bring genetically different type of pollen grains to the stigma. मतलब इसमें genetically different type of pollen grain आने चाहिए stigma में, क्योंकि plant ही अलग ले रहे हैं तो फिर वो different ही होगा। अब इसमें आते हैं agent of pollination. Agent of pollination से पहले autogamy में हमने क्या देखा कि same plant और same flower होना चाहिए। Gytnogamy में क्या था कि दूसरा flower होना चाहिए लेकिन same plant का होना चाहिए। और ज़ेनोगैमी में हमने देखा कि प्लांट भी अलग होना चाहिए। और ऑटोगैमी के एग्जांपल्स क्या थे, एक था वायोला, ऑक्सालिस और कॉमेलिना। ये तीन एग्जांपल थे, बाकी और किसी में एग्जांपल नहीं दिए थे। अब इसके बाद आते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में प्लांट यूजेस टू एबायोटिक, मतलब विंड और वाटर की हेल्प से, और वन बायोटिक एनिमल, ये सब एजेंट्स होते हैं। अब ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। कुछ ही लोग एबायोटिक एजेंट यूज करते हैं, कुछ ही लोग मतलब कुछ प्लांट्स ही जो होते हैं, जैसे कुछ स्मॉल पोर्शन के ही हैं जो कि स्मॉल पोर्शन है प्लांट्स का जो कि एबायोटिक एजेंट यूज करते हैं, जैसे टू कंपनसेट फॉर दिस पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन द बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड द एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन।
इसमें बताया कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, मतलब इसमें जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है ना, जो हवा से यहाँ वहाँ उड़ के जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड करंट, मतलब जो विंड से होने वाला पॉलिनेशन होता है ना उसमें क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। कोई चीज़ हल्की होगी, नॉन स्टिकी होगी, तभी तो वो ईजीली उड़ के जाएगी हवा के साथ, तो ऐसा होता है। और बाकी जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ओनली ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, नंबरस फ्लावर पैक्ड इन टू द इनफ्लोरेसेंस ऑफ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्नकॉप। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स में क्या होता है, ज़्यादातर हैविंग अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, उसमें सिंगल ओव्यूल होते हैं एक ओवरी में, एंड नंबरस ऑफ फ्लावर्स पैक्ड इन टू एन इनफ्लोरेसेंस, इसका एग्जाम्पल होता है कॉर्नकॉप। अब इसमें विंड पॉलिनेशन इज़ अ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये ज़्यादातर ग्रासेस में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ अ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज़ अ लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, मोस्टली कॉटिलेड। ये जो पॉलिनेशन बाय वाटर है ये बहुत रेयर होता है, ये सिर्फ 30% में होता है और ज़्यादातर मोनोकॉटिलेडन्स में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, इसमें जैसे हमें पता है कि ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, इनमें पर्टिकुलरली सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। इनमें क्या है कि गैमेट ट्रांसफ़र के लिए वाटर इसेंशियल है, मतलब पानी का होना ज़रूरी है, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं वेलिसनेरिया और हाइड्रेला, ये ग्रो इन अ फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टर, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हिजिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और विंड। अब ज़्यादातर जैसे ये पहले तो सबसे पहले एग्जाम्पल था इंपॉर्टेंट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स ज़्यादातर एक तो सिर्फ 30% में होता है, बहुत रेयर होता है और मोस्टली मोनोकॉटिलेडन्स में होता है। इसके जो एग्जाम्पल थे वो थे वेलिसनेरिया और हाइड्रेला, और फ्रेश और ये होते हैं फ्रेश वाटर में ग्रो होने वाले, और सेवरल मेराइन सी ग्रासेस होती है जो जिसका एग्जाम्पल था जोस्टेरा। अब मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, जैसे वाटर हिजिंथ हो गया और वाटर लिली हो गया, इनमें पॉलिनेशन जो होता है ना वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। जैसे अब हो गया ये वेलिसनेरिया, इसमें क्या होता है, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ अ वाटर बाय अ लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनटू द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी के सरफेस पे जाती है अपनी लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो, और जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर या फिर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो भी रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ वाटर में, एंड दे आर पैसिवली कैरेट पैसिवली बाय दी वाटर करेंट। अब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इन साइड द वाटर, पॉलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीशीज आर रिबन लाइक एंड दे आर कैरेट पैसिवली इन साइड द वाटर। मैंने अभी वाटर हेसेंथ और वाटर लिली के बारे में बताया है, इसमें क्या होता है कि अबव सी लेवल पे होगा इनका पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट्स में होता है, जब ये होता है ज़्यादातर मोस्ट लैंड प्लांट्स में। ये लाइन आधी आधी बोली थी तो ऐसा नहीं है कि ये भूल जाओ या फिर ये गलत लगे। मेजॉरिटी ऑफ अ एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हेसेंथ और वाटर लिली, इनमें कैसा होगा, इनमें होगा द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ अ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई विंड एंड इंसेक्ट एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। लैंड प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट और विंड्स के थ्रू होता है लैंड प्लांट्स में, और ये जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं इनमें अबव वाटर सरफेस पे होगा। इनमें जैसे इसमें बताया वेलिसनेरिया, इन्होंने बताया कि वो जो उसकी फीमेल फ्लावर होती है वो लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से वाटर सरफेस पे आती है, और जो मेल फ्लावर या फिर पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर सरफेस पे रिलीज होते हैं, और फिर ये दीज आर कैरेड पैसिवली बाय दी वाटर करेंट। और ऐसे ही सी ग्रासेस में होता है,
सी ग्रासेस में क्या होगा, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, वो पानी में ही रहते हैं, एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, पॉलन ग्रेन जो है वो अंदर आएगा पानी में. पॉलन ग्रेन आर इन सच स्पीशीज आर रिबन लाइक, दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर. ये इसके ऊपर नहीं हो रहा, सरफेस ऑफ वाटर पे नहीं हो रहा, ये कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द वाटर. क्या होता है सी ग्रासेस में, इनमें जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सबमर्ज रहते हैं पानी में, और जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी पानी के अंदर ही आते हैं. तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जो होते हैं वो इनके रिबन लाइक होते हैं, बहुत लंबे रिबन लाइक होते हैं. तो वो दे आर कैरिड पैसिवली इन साइड द वाटर. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय मुसिलेजिनस कवरिंग. इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो ये पानी में रहने वाले होते हैं इनके ऊपर, जिससे कि ये ख़राब नहीं हो जाए. पॉलन ग्रेन जो इनके ऊपर, जो इनको ज़्यादातर पानी में ख़राब नहीं होने देती, गीला नहीं होने देती, मुसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं इसको. ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, पहले बहुत बार पूछा गया है. तो अब ये यहाँ तक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो गया. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या था इसमें. दो एबायोटिक थे, विंड और वाटर, और एक बायोटिक था, एनिमल्स. अब इसमें क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर जो कुछ स्मॉल पोर्शन है जो कि एबायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं, और इसमें पॉलिनेशन बाय विंड जो है वो तो बहुत कॉमन है, वो ज़्यादातर होता है सब में. उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, जिससे कि वो हवा से यहाँ उड़ के चला जाए. और जो विंड पॉलिनेशन होता है ना, उसमें वन ओव्यूल होगा एक ओवरी में, और नंबर्स ऑफ फ्लावर पैक्ड इनटू द इनफ्लोरेसेंस. इसका एग्जांपल होता है कॉर्न कॉब. विंड पॉलिनेशन इज अ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ज़्यादातर ग्रासेस में बहुत कॉमन है ये. और जो वाटर पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन बाय वाटर, ये बहुत रेयर होता है, ये 30% में होता है और ज़्यादातर मोनोकोटिलेडंस में होता है. और वाटर पॉलिनेशन के इनके एग्जांपल थे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स थे वेलिसनेरिया और हाइड्रेला, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और सेवरल मेराइन सी ग्रासेस होती है जिसको हम जोस्ट्रा कहते हैं. अब मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है कि वाटर और वाटर हिसिन और वाटर लिली, ये अबव सी लेवल पे, अबव सी लेवल या फिर अबव वाटर लेवल, यहाँ पे इनका पॉलिनेशन होगा. और जो पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड्स में, इंसेक्ट और विंड्स के थ्रू होता है ना, वो होता है ज़्यादातर लैंड प्लांट्स पे. लैंड प्लांट्स में मतलब जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा. और जो वेलिसनेरिया होता है वो क्या करता है, वो अपना जो उसकी फीमेल फ्लावर होती है वो होती है, वो आती है सरफेस ऑफ वाटर पे बाय लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर होता है, पॉलन ग्रेन होता है, वो रिलीज करता है, वो रिलीज होता है वो भी सरफेस ऑफ वाटर पे, और फिर ये दे आर कैरिड पैसिवली बाय एयर करंट. उसके बाद में वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जो एग्जांपल था सी ग्रासेस, इसमें क्या होता है कि फीमेल जो फ्लावर जो होता है ना वो सबमर्ज्ड होता है वाटर में, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो भी वाटर के अंदर रिलीज होते हैं. इनका जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये रिबन लाइक होता है, और इसके ऊपर इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो एक कवरिंग से कवर होता है, जिसको मुसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं. वो इसको वेट नहीं होने देती, इसको ख़राब नहीं होने देती, इसकी वजह से इसमें पानी के अंदर पॉलिनेशन हो पाता है. अब बी, बटरफ्लाई फ्लाइज और बेटल्स, वैस्प और मोथ, बर्ड्स और सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, बैट, ये सब कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. इसमें इंसेक्ट्स होते हैं और पर्टिकुलरली उसमें भी बीज, जैसे जो मधुमक्खी होती है ज़्यादातर देखा है ना वो फूलों पे जाके बैठ जाती है, तो इनमें जो बीज होती है ये डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं. अब इसमें कुछ होते हैं लार्ज एनिमल, जैसे कि प्राइमेट्स हो गए, प्राइमेट्स में लेमर्स और एबोरियल हो गए, मतलब ट्री ड्वेलिंग जो होते हैं, और रोडेंट, और इवन रेप्टाइल्स. और रेप्टाइल्स में भी एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, गेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड हैव बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज, कुछों में ये भी पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं. इनके एग्जाम्पल सभी के इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दो बार तीन बार पढ़ना वो याद हो जाएंगे. अब देखो इसमें ये जो लेफ्ट साइड पे है ये दिखाया है, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये यहाँ पे ये बी बैठी हुई आकर, उसकी वजह से हो रहा है. अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर.
जो ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर बड़े होंगे, कलरफुल होंगे। जैसे कलरफुल होंगे तभी तो वो मधुमक्खी को, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एंड द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट अ फाउल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। मतलब जो ऐसे होते हैं ना, जो फ्लाइज होती है या बीटल्स होती हैं, ये क्या करते हैं, इनको फाउल जो ओडर होती है, मतलब जो खराब गंदी स्मेल होती है, वो इनको अट्रैक्ट करती है, ये उसके ऊपर जाके बैठते हैं। एंड नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड्स। द बॉडी ऑफ अ एनिमल गेट अ कोटेड ऑफ अ पोलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। द बॉडी ऑफ अ एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ अ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर। इसका मतलब है कि जो इनकी बॉडी होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपके, वो आएंगे और वो तभी तो वो एक के पास जाएंगे, वो लाइट नहीं होते, तभी उनको मतलब ईजीली कैरी करने में ईजी होगा। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइड स्पेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल अ टॉलेस्ट फ्लावर, ये एग्जाम्पल है एमोरफिलस का, ये है टॉलेस्ट फ्लावर जिसकी हाइट 6 फीट तक की होती है। ये बहुत बार आए हैं, ये याद रहना चाहिए। और ये क्या करते हैं, इन स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर प्रोवाइडिंग सेफ स्पेस टू ले एग्स। मतलब यहाँ पे ये बहुत पूरा सेफ स्पेस देती है किसी को भी उसके अंडे रखने के लिए। और इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 6 फीट की। और स्पीशीज जो होती है, स्पीशीज ऑफ अ मोथ एंड प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ विदाउट ईच अदर। ये दोनों अपनी लाइफ कम्प्लीट नहीं कर पाते एक दूसरे के बिना। द मोथ डिपॉजिटेड्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर्स एंड इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। जो मोथ होता है वो क्या करते हैं, डिपॉजिटेड्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। वो इसकी ओवरी में, जो मोथ है वो अपना एग डिपॉजिट करता है लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, और उसको गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। और जो लावा होता है, लावा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो ये दोनों जो होते हैं, ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाते। अभी होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस अ हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड द पोलन ग्रेन आर लाइटली कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इनमें क्या होता है, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब सेम टाइप का फ्लावर है और हमेशा एक ही जनरेशन में होता रहे, तो थोड़े टाइम बाद जाके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगता है। उसका ज़्यादातर उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर पाते हैं, कि उनको क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज अ क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावर्स होते हैं वो डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब ओवरऑल इन ब्रीडिंग से ओवरकम करने का तरीका ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए दोबारा से। तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। अब पहले इसको ऊपर से यहाँ से पढ़ो। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब इनका ये एक साथ नहीं होते, जैसे पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं हो पाती। तो इनमें क्या होता है फिर, आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। मतलब पोलन पहले रिलीज हो जाए, या जो स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टिव हो जाए पोलन के रिलीज होने से पहले। तो इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। और कुछ ऐसी भी स्पीशीज होती है जिसमें एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे हो, और तो सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर।
तो ऐसे में क्या होता है कि जो पोलन कैन नॉट कम वो सेम फ्लावर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता. बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी. ये दोनों ही डिवाइसेस ऑटोगैमी प्रिवेंट करती हैं. एंड द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट अ इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब वो खुद से ही रिजेक्ट कर दे. दिस जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट्स फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और अ पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल. थर्ड डिवाइस क्या देखिए हमने, प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब वो खुद से रिजेक्ट कर दे. ये जो होता है ना, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. ये भी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा, या तो सेम फ्लावर में हो या फिर सेम प्लांट में नहीं होने देता. फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और अ पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल. अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट अ सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और दूसरा क्या होता है, एक होता है कि इसको प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. इफ़ द बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोशियस इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी. जो कैस्टर और मेज है मोनोशियस, इनमें क्या होगा, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगी मतलब सेम फ्लावर में नहीं होगा वो सेम, हाँ सेम फ्लावर में नहीं होगा, बट जिटनोगैमी नहीं होगी. जिटनोगैमी होती है सेम प्लांट में जब होता है, सेम प्लांट होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होता है, तो वो जिटनोगैमी होती है. अब इसके बाद है पपाया. मेल एंड द फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल इज डायोसी. डायोसी मतलब डायोशियस. एंड दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी. इसमें क्या होता है कि जो पपाया जो होता है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं. या तो वो आइदर मेल फ्लावर, आइदर ईच प्लांट इज मेल, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा. दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी. इससे ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट होगी. क्या है, अगर प्लांट भी अलग है फ्लावर भी अलग है तो ऑटोगैमी में क्या था कि सेम फ्लावर होना चाहिए प्लांट भी सेम होना चाहिए. जिटनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर अलग हो लेकिन प्लांट सेम ही होता है. तो अगर ये दोनों ही प्लांट ही अलग हैं तो फिर तो जिटनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों ही प्रिवेंट होंगी. अब इसके बाद आता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ अ राइट टाइप ऑफ पोलन. मतलब पॉलिनेशन जो है वो गारंटी नहीं देता कि वो जो पॉलिनेशन हो रहा है वो पॉलिनेशन मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पोलन है वो राइट टाइप का है. राइट टाइप मतलब पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप इज आइदर फ्रॉम द सेम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट. ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा. मतलब अगर सेम प्लांट पे होगा तो उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, और अगर अलग किसी और से ही आ रहा है तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज अ राइट टाइप और अ रॉन्ग टाइप. जो पोलन जो पिस्टल होती है ना उसके पास ये एबिलिटी होती है कि जो पोलन आ रहा है वो सही तरह का है या गलत है. अब अगर राइट टाइप होगा तो वो कंपैटिबल होगा, रॉन्ग टाइप है तो वो इनकम्पैटिबल होगा. इफ़ द राइट टाइप ऑफ पोलन पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट. अगर राइट टाइप का है तो क्या होगा कि पिस्टल जो है वो पोलन को एक्सेप्ट करेगी और प्रमोट करेगी पोस्ट पोलिनेशन को. The ability of pistil to recognize the pollen allowed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. ये क्या होता है कि जो pistil की ability होती है recognize करने की कि pollen right type का आया है या wrong type का आया है, अगर right है तो वो accept करेगी, अगर wrong है तो वो reject करेगी, तो ये result करता है result continuous dialogue between the pollen and pistil मतलब pollen pistil interaction में. and dialogue is immediately by the chemical component of the pollen interacting with those pistil. ये कैसे होता है, mediated by the chemical component of the pollen interacting with those pistil. मतलब chemical component होता है pollen का जो interact करता है pistil से. and the compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen pollen tube through one of the germ pore. ये मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे ये इसमें ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे. ये क्या होता है कि जैसे कोई compatible pollination के लिए क्या होगा कि जो pollen grain है
वो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जम्पोर. वो पॉलन ट्यूब में जाएगी एक जम्पोर के थ्रू और द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इन टू द पॉलन ट्यूब. और जो उसका कंटेंट था वो उस पॉलन ट्यूब में मूव करेगा. एंड पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल द रीच द ओवरी और बाद में ओवरी तक पहुँच जाएगी. इनमें क्या होता है, सम प्लांट्स पॉलन आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड कंडीशन. कुछ जो पॉलन होते हैं वो झड़ जाते हैं टू सेल्ड कंडीशन पे, जैसे कि जनरेट जिसमें होता है एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो आगे डिवाइड हो जाते हैं और टू मेल गैमेट्स बना लेते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. इनको हम कहते हैं थ्री सेल्ड कंडीशन. द पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब जो पॉलन ट्यूब है वो कैरी करती है दो मेल गैमेट को बिगनिंग से ही. एंड द पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओवियल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द साइनर्जेट थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस. ओवरी तक पहुँचने के बाद वो एंटर करती है ओव्यूल में माइक्रोपाइल की वजह से, एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द साइनर्जेट थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस. अब इसमें बहुत बार बताया कि ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ना, ये प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल पार्ट ऑफ द साइनर्जेट गाइड द एंट्री ऑफ द पोलियन ट्यूब. इसमें ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका काम क्या होता है. इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है ये प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर पार्ट पे ऑफ द साइनर्जेट और ये गाइड करता है, गाइड द एंट्री ऑफ द पोलियन ट्यूब. पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम द फ्लावर सच एज पी और चिक पी. और ये लाइनें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जैसे ये पता होना चाहिए कि इनको हम ये जितने भी हैं, जैसे ये पी हो गई, चिक पी हो गई और ये क्रोटल एरिया और बालसम और विनका, ये सारी की सारी हम ग्लास साइड में कंटेनर ड्रॉप ऑफ है शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10%. मतलब हम कितना डालते हैं, हम ज़्यादातर 10% डालते हैं उनको ऐसे देखने के लिए. मतलब उनको माइक्रोस्कोप में ऐसे उनमें चेंजेस और ये सारी चीज़ें पॉलन ग्रेन्स को इनको देखने के लिए, इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप. यू हैव स्टडीड पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. तो इसमें हमें दिखेगी एक पॉलन ट्यूब आती हुई, जो पॉलन ट्यूब आ रही होगी पॉलन ग्रेन से बाहर, तो वो हमें दिखेगी. अब इसमें इम्पॉर्टेंट जैसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो कितना लेते हैं, अबाउट 10%. अब इसके बाद आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये होता है मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. इसमें क्या करेंगे, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन होता है उसी को यूज़ करेंगे एंड स्टिग्मा प्रोटेक्टेड बाय द कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन और इसको अनवांटेड पॉलन से बचा कर रखेंगे. इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अनवांटेड पॉलिनेशन से हम कैसे बचा सकते हैं. जैसे पॉलिनेशन तो ये इनसे खुद से हो रहा है ना, इसमें हम लोगों का तो कोई रोल नहीं है हम लोगों का, तो इसको हम बचा सकते हैं इमल्सिफिकेशन या बैगिंग टेक्निक से. इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे जो फीमेल पेरेंट होते हैं बेयर बायसेक्सुअल फ्लावर, जिनमें बायसेक्सुअल फ्लावर होगा उनका जो एंथर होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसको रिमूव कर दे फोर्सेप की हेल्प से, मतलब उससे पकड़ के उसे हटा देते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. और इमल्सिफिकेशन फ्लावर हैव टू कवर विद द बैग ऑफ द सूटेबल साइज. और ये जो हमने हटा दिया तो इससे क्या हुआ कि ये इसको फिर बाद में इसको सूटेबल बैग से कवर कर देते हैं. जो बैग होता है वो बटर पेपर का बना होता है टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनवांटेड पॉलेंस. इसको बचा कर रखते हैं अनवांटेड पॉलन से. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग टेक्निक. और अगर फीमेल पहले से ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो उसमें फिर इमल्सिफिकेशन की नीड ही नहीं है. इमल्सिफिकेशन हम कहाँ कर रहे थे, बायसेक्सुअल फ्लावर में कर रहे थे जिसमें दोनों होते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर वाला जो पार्ट होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं वो पूरा फोरसेप की हेल्प से. अब इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ इमल्सिफिकेशन. इसमें क्या करेंगे, द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग बिफोर द फ्लावर ओपन. इसको कवर करके रखेंगे व्हेन स्टिग्मा
बिकम्स रिसेप्टिव, जैसे ही वो रिसेप्टिव होगा पॉलिनेशन कराएंगे और उसको फिर से रीबैक कर देंगे, डिजायर्ड पॉलिन के साथ उसको पॉलिनेशन कराएंगे और फिर उसको दोबारा से रीबैक कर देंगे जिससे कि पॉलिनेशन का पूरा टाइम मिले। यहाँ तक कि हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर अभी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।